हेलो ऑल स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमारा जो पार्ट टू था वो तैयार हो चुका है। तो इस पार्ट टू में आपको सारे क्वेश्चन मैं कवर करा दूँगी और आपको बता देंगे 100% सही कॉपी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो 10वां क्वेश्चन है, इसका ए देख लीजिए और आप लोग को बता दें, स्क्रीन शॉट करते जाइएगा आप लोग। ठीक है, तो सारे स्क्रीन शॉट कर लीजिएगा। और आपको बता दें, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपका ये हो गया कम्प्लीट। इसके बाद देखेंगे बी। तो ये 10वें का जो बी है, यहाँ पर आप लोग सारे स्क्रीन शॉट करते जाइए। आपको क्लियरली अगर दिखाई ना दे रहा हो तो आपके वीडियो के ऊपर 3 डॉट्स होंगे, वहाँ पे क्लिक करके आप 360 पे क्लिक कर देना, तो वहाँ से आपको अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ये जो बी है ये कम्प्लीट हो गया। आपको इसी तरीके से लिख देना है अपनी कॉपी में, सिंपली बिल्कुल फुल में से फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर जैसे कि आप लोगों के लिए कोई भी प्रॉब्लम आती है या समझ नहीं आता है तो आप लोग कमेंट में बता सकती हो, और साथ में अपने सेट के सॉल्यूशन भी मिला लीजिएगा। अगर आपके यही क्वेश्चन है तो आप इनको भी कर सकते हो। सेट सी का ये पूरा सॉल्यूशन है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों के लिए बता दें कि ये जो क्वेश्चन है बी का क्वेश्चन, मतलब आपको 4 करने हैं, 10वीं हेडिंग के क्वेश्चन 4, तो 4 हम आपको करवाएंगे कंप्लीट। ठीक है, अब 10वां का सी देख लीजिए यहाँ से। अगर आप लोगों को क्लियरली दिखाई ना दे रहा हो तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, जो मैंने पहले बता दिया है वीडियो में। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों के लिए बता दें कि 10वीं का आप स्क्रीन शॉट कर लीजिए, सी का। अगर आप लोग स्क्रीन शॉट कर लोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा लिखने में। ठीक है, अब 10वां ये जो आपका है ये क्वेश्चन आपका, आपको अपने क्वेश्चन पेपर निकालना है, उसमें 10वां देखें, 10वीं का सी क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट अगर क्वेश्चन डालना चाहते हैं तो वो क्वेश्चन भी डाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन डालोगे तो जो टीचर होगा उसको थोड़ा अच्छे से दिखाई देगा, मतलब समझ में आएगा कौन से का आंसर है। या फिर अगर आपके पास टाइम कम है तो आप यही कर सकते हो पूरा का पूरा। ठीक है, तो आप यहाँ से पूरा का पूरा स्क्रीन शॉट कर लीजिए इसका। और साथ में आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कर लीजिएगा। ठीक है, आप ये 10वां का हमारा सी कंप्लीट हो गया। आप 10वीं के सी के बाद हम देखने वाले हैं हमारा जो ई, मतलब कि यहाँ पे हमें 4 करने थे कोई, तो हमने डी वाला क्वेश्चन छोड़ दिया है। ठीक है, डी वाला हमने छोड़ दिया है, तो अब ये करेंगे हम ई। तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली स्क्रीन शॉट कर लेना, और यहाँ पर इतना ही है। और आपको बता दें, जैसे कि कोई भी समझ में नहीं आ रहा हो वर्ड, तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हो। पार्ट वन ना देखा हो तो वो मैंने आपको लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन में, जाकर चेक कर सकती हो और पूरा का पूरा कंप्लीट कर पाओगे आप लोग। ठीक है, और 100% सही उत्तर आपको दिए जा रहे हैं। और अगर आप लोग चाहते हो कि और भी सभी सब्जेक्ट के दिए जाएँ तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, लाइक जरूर कीजिएगा। और अब यहाँ से आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां। जो आपका क्वेश्चन नंबर 11वां है, यहाँ पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 11वां का फुल यहाँ पर दिया गया है, तो आपको डायरेक्टली स्क्रीन शॉट कर लेना है पूरा। ठीक है, स्क्रीन शॉट करने के बाद आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम है, अगर फिर भी आ रही है तो आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आर्टिकल 48 ऑफ ये वाला जो क्वेश्चन है आपका 11वीं का है, तो मिलाइएगा सी सेट वाले स्टूडेंट। ठीक है, और अगर किसी वाले सेट वाले स्टूडेंट को अगर ये क्वेश्चन आया है तो आप लोग उसमें भी कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे हमारा 11वां के बाद 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, 12वां का फुल आंसर यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पे आपको सेंट्रल आइडिया ऑफ द वॉइस ऑफ अ रैन पर लिखना था, और यह क्वेश्चन हमने आपको बताया था पेपर में आएगा, तो ये आ गया। ठीक है, जो सेंट्रल आइडिया है वो आपको किस तरीके से लिखना है, मैंने आपको इसकी ट्रिक्स बताई थी, वो वीडियो जाकर ना देखी हो तो आप लोग देख लीजिएगा। या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, वहाँ पर अभी इतना टाइम नहीं है आपको कि उस ट्रिक्स से आप लिख पाओ, तो आपको यही कॉपी कर लेना है पूरा का पूरा। ठीक है, अभी ये पूरा नहीं हुआ है, अभी और भी है इसके आगे, तो आप लोग पहले इतना कर लीजिए, फिर इसके बाद हम जो इसके आगे का है अभी और है, क्योंकि इसमें से अगर पूरे मार्क्स चाहिए तो पूरा करना पड़ेगा, है ना। तो आपको इतना कर लेना है पहले, फिर इसके बाद देखते हो और आगे का, तो यहाँ पर आप लोग आगे का भी देख पाओगे। अब यहाँ से है पूरा लास्ट तक डार्क, यहाँ तक आपको कर लेना है पूरा। ठीक है, लास्ट तक आपको क्या करना है, इसका भी स्क्रीन शॉट कर लेना है। स्क्रीन शॉट करने के बाद आप लिख सकते हो आराम से, या फिर वीडियो को थोड़ा अप्रूव कर लिख लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और यहाँ पर बता दें आप लोगों के लिए, ये जो क्वेश्चन है, अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए हैं देखिए, तो प्लीज़ जल्दबाजी में कोई कॉपी मत लिखिएगा। हर कॉपी के सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, और वही प्रोवाइड कराएंगे जो 100% सही होगा। ऐसा नहीं है कि हर यूट्यूबर की तरह हम प्रोवाइड कराएं कि मतलब कोई भी गलत क्वेश्चन है अगर, तो उसको भी आंसर वो डाल देते हैं, बट ऐसा नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो इसको मैं जूम करती हूँ थोड़ा यहाँ से, आप लोग अब आधा आधा स्क्रीन शॉट कर लो इसका, क्योंकि फुल में आपको अच्छे से दिखाई नहीं देगा, तो आप लोग को इसका आधा आधा स्क्रीन शॉट कर लेना है पूरा का पूरा। ठीक है, तो यहाँ हैंड तक कर लो, फिर इसके बाद आपको और भी बताया जाएगा आगे का। ठीक है, तो अब इसके बाद यहाँ पर आगे का आप देख सकती हो पूरा, तो इसको भी आप स्क्रीन शॉट कर लो। ठीक है,
इसका स्क्रीनशॉट जो है COVID-19 वाला है, तो आपको क्या करना है, फुल करना है, ठीक है। अगर आप फुल करोगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब ये जो आपको पोस्टर बनाना था, आपको 13B है ये, ठीक है। 13C हमारा कंप्लीट हो गया, अब 13B यहाँ पर देख लो। तो जो हमारा 13B का क्वेश्चन है, इसमें आपको पोस्टर बनाना था अर्थ शेप के ऊपर और एक ट्रैफिक पर। तो देखिए ट्रैफिक पर बनाइएगा, क्योंकि अर्थ शेप पर सभी स्टूडेंट ने बनाया हुआ है, तो थोड़ा अलग आप हटकर करती हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन आगे का 13A, क्योंकि अभी हमने 13C, 13B और 13A थोड़ा अलग अलग है, बट कोई बात नहीं, आप लोग कर लीजिएगा। तो 13A जो होगा आपका, यहाँ पर आप देख सकती हो पूरा का पूरा। तो इसमें आपको क्या करना है, नोटिस बनाना था। तो नोटिस मैंने पूरा का पूरा वीडियो बनाया हुआ है नोटिस के ऊपर, अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो जाकर देख लो, चैनल में आप क्लिक जैसे ही करोगे और वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा, तो आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है। उस पर लिखा हुआ है नोट बेकिंग बनाने की ट्रिक, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको अगर अच्छे से दिखाई ना दे रहा तो मैं जूम करके आपको बताती हूँ, तो आप लोग इसका आधा आधा स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल वाला, यहाँ से आपको पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट कर लेना है और डायरेक्टली अपनी कॉपी पे कॉपी ही कर लेना है, ठीक है। एक भी वर्ड यहाँ की वहाँ मत करना, क्योंकि ये पूरा सही और सॉलिड है, ठीक है। अब इसके बाद आता है 14A जो है आपको यहाँ से कर लेना है कंप्लीट, और मैंने इसको जूम कर दिया है, आप लोग कर लेना। और जैसे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो भी आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो हम उसका भी आपको सॉल्यूशन देंगे, और जिस सेट का आपको चाहिए वो भी बता दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आता है आपका 14A, 14B हो गया। अब 14A का आपको आधा आधा स्क्रीनशॉट पूरा कर लेना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से 14A का हो गया, अब यहाँ से डायरेक्ट 14B देख लीजिए जल्दी से, टाइम बहुत कम है आपके पास, आपको इसको जमा करने जाना है। तो यहाँ पे 14B का है ये, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करके 14B में लिख दीजिएगा, एक लेटर है अपने फ्रेंड के लिए, तो आप लोग को लिख देना है गर्मियों की छुट्टियाँ वाला, ठीक है। तो आप लोग इसको कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको नेम है जो अपने यहीं इसी में आया है, तो इसी का आपको लिख देना है, ठीक है। अब इसके बाद आपको बता दें कि जो आगे की भी क्वेश्चन है उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके बाद के सारे क्वेश्चन आपको तब दिए जाएंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, तो आपको पूरे सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, मतलब पार्ट 3 में आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर आप लोगों को बता दें अभी 15A का ये जो क्वेश्चन है, आपको इसका भी स्क्रीनशॉट पूरा करके रखना है, ठीक है। तो मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ, तो आपको क्या कर लेना है, डायरेक्टली स्क्रीनशॉट करके कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग जल्दी जल्दी कर लो और अपना कंप्लीट कर लो, जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट में बता दो, और जिस सेट के भी आपको चाहिए हो तो आप कमेंट में बता देना, तो उस सेट के आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लो, आपके पास टाइम कम है, लेकिन आप लोगों के लिए पूरा का पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हो डायरेक्टली, और पूरा का पूरा लिख लीजिएगा। अब इसके बाद थोड़ा जो आगे का है उसको भी हम देखेंगे, तो आप लोग वो भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और यहाँ से आप लोग देख सकते हो आगे का। तो ये जो आपका पूरा का पूरा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लो, और स्क्रीनशॉट करने के बाद डायरेक्टली अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे 15B में इंपॉर्टेंट ऑफ इंग्लिश के ऊपर से आपको लिखना था जो कुछ भी, तो आप यहाँ से पूरा का पूरा देख सकते हो। तो आप आधा आधा करके स्क्रीनशॉट करिएगा इसका, अगर आप लोग आधा आधा करके स्क्रीनशॉट करते हो तो क्या होगा कि आपका यहाँ पर सिंपली अच्छे से दिखाई देगा, तो आप लोग कर सकते हो ईजिली, आप लिख पाओगे, ठीक है। आप इंपॉर्टेंट ऑफ इंग्लिश के ऊपर आप चाहो तो अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो कुछ भी, ठीक है। अपनी मर्जी से किस तरीके से लिख सकते हो, जैसे कि आपको इंग्लिश के बारे में कुछ पता है कि दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, इस तरीके से आप अपने पॉइंट जोड़ सकते हो इसमें, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ऑफ इंग्लिश में आपको इस तरीके से लिख लेना है, ठीक है। और इसके बाद के जो आगे का है इसको भी देख लीजिए, क्योंकि थोड़ा और है, अभी इंग्लिश में इतना लिखोगे आपको तो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो यहाँ से आपको पूरा कर लेना है, ठीक है। तो मैं आपको और आगे का भी बता देती हूँ, तो यहाँ से आप लोग 15B का इंपॉर्टेंट ऑफ इंग्लिश का, मतलब यहाँ थोड़ा आगे का है, तो इसको देख लीजिए, इसको आप कर लीजिएगा कंप्लीट पूरा का पूरा। अगर आप लोग को जैसे अच्छे से दिखाई ना दे रहा हो तो मैं आपको जूम करके भी दिखाने वाली हूँ, या फिर आप लोग पहले स्क्रीनशॉट कर लो, देख लो, चेक कर लो, ना हो रहा हो तो आप उन दोनों की स्क्रीनशॉट कर सकते हो, जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकती हो। अगर आपको अच्छे से दिखाई ना दे रहा हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हो किस तरीके से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको आधा आधा करके आप कर सकते हो, ठीक है। अब आपको बता दें कि ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आगे के क्वेश्चन जितने भी होंगे 14 के बाद, मतलब जो 15 के बाद का अगर है कोई, तो बताइएगा कमेंट में, थैंक यू सो मच। तो आपका पार्ट सी फुल कंप्लीट हो चुका है, अब आपको बताना क्या है अदर सेट वाले, ठीक है, तो वो बता दीजिएगा, थैंक यू। और ये आपका पेपर कंप्लीट है, थैंक यू।